हेलो एवरीवन स्टूडेंट, जस्ट वी आर कंटिन्यूइंग टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक और फॉर द चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन. टुडेज टॉपिक इज रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड द फ्लूइड फ्रिक्शन. तो हम ये तीन टॉपिक आज समझने वाले हैं. क्या होता है रोलिंग फ्रिक्शन का, हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल 12.4 में ले लिया था, ठीक है ना, पिछले वाले सेशन में. और थोड़ा आज स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में देखेंगे और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है. तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन हम ये देखिए, ये जो दिख रहा है पिक्चर यहाँ पे, एयर का मीडियम जहाँ जहाँ भी होगा और लिक्विड का मीडियम जहाँ पे भी होता, तो वो हम बोलेंगे हम फ्लूइड फ्रिक्शन. तो इसके लिए हम डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आज. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर इट्स सरफेस of another body, the resistance to its motion is called the rolling friction. ठीक है, इसी को हम बोलेंगे rolling friction. यानी what is the definition of the rolling friction? When one body rolls over the surface, जैसे हमने पिछले बार के एक्टिविटी में देखा था, पेंसिल्स के ऊपर में हमने बुक को रखा था और उसको रोल किया था, है ना. Another, the resistance to its motion is called. अब जो वो resistance और motion bear कर रहा है उसी को हम बोलेंगे rolling friction. ओके, नाउ द रोलिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. अब ये भी हमने देखा था कि रोलिंग, भारी से भारी सामान को हम अगर पेंसिल के ऊपर में अगर बुक रख दिया, बहुत हैवी बुक रख दिया, तो वो आसानी से इधर उधर मूव हो सकती है. लेकिन अगर हमने पेंसिल्स को हटा दिया तो ज़्यादा फोर्स या लगने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे. तो रोलिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, ये आपको याद रखना, रोलिंग ऑलवेज रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. इट इज़ ऑलवेज इजियर टू roll than one slide of the body, roll than one slide of the body over another. यानी कि एक घूम रही है तो उसके साथ में उसकी जो ऊपर में जो वेट रखा गया, जो भी बॉडी रखी गई है, वो भी रोल होगा, है ना. इट इज़ ऑलवेज इजियर टू रोल दैन वन टू स्लाइड ऑफ द बॉडी ओवर द अनादर. दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोलर्स. तो इसलिए लगेज जो हमारा, हम देखते हैं, हम कभी भी आउट स्टेशन जाते हैं तो एक लगेज में हमारे व्हील्स लगे होते हैं ना. इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद द रोलर्स. तो ये रोलर्स जो होते हैं वो बहुत ही हमको फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं और वेट को बहुत लाइट वेट बना देते हैं. और यू कैन पुल, दैट इज़ मैन पुल वेरी इजिली. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैन काइंड. देखिए, मैन ने ही इस व्हील का इन्वेंशन किया है, तो हम बोल सकते हैं कि व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन. ये हमारे हमारा जीवन का, हमारे मैन काइंड का बहुत बड़ा इन्वेंशन है, हम जिसे कह सकते हैं. अगर व्हील्स नहीं होता तो आज की ज़िंदगी हमारी बिल्कुल भी ईजीएस्ट नहीं होती, है ना. चलो देखते हैं अब सेकेंड पार्ट. सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. अच्छा, अब यहाँ पे देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का क्या है. रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. अगर स्लाइडिंग अगर हम करते हैं, अगर रोलर्स निकाल दिए और कोई हैवी वेट को हम खींचते हैं, तो हमें क्या होगा, वो थोड़ा स्मॉलर होगा. ठीक है, स्मूथ सरफेस में आपने रखा है ना, लेकिन आप उसको घसीटोगे, घसीट के लेके जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थोड़ा बड़ा होगा, है ना, और रोलिंग फ्रिक्शन तो और उससे भी छोटा होगा. तो सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा उसको वेट है, उस रोलिंग नहीं है, लेकिन स्लाइड कर रहे हैं आप तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मोशन लगेगा, है ना. और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, नो एक्स्ट्रा और हेवी मोशन इज रिक्वायर्ड, इजिली यू कैन लिफ्ट और यू कैन इजिली पुल वट एवर द लगेज इज देयर. अंडरस्टैंड दिस, कम ऑन, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन. अच्छा, कभी कभी रोलर्स ही के नहीं रहते, कभी कभी, है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत बड़ी बड़ी मशीन है, जो फैक्ट्रीज में होते हैं, और मशीनें स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी काम करती है. ठीक है, बाय रोलिंग स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स. ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अब आ गया रोलर्स आ गया. तो पहले ये रोलिंग नहीं थे तो बहुत हेवी मशीन्स को खींचने में बहुत दिक्कत होती थी. तो अब बाय द रोलिंग, बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स, तो बॉल बियरिंग्स आर द वेरी कन्वीनियंट इक्विपमेंट जिसे हम करेंगे, या पार्ट्स, तो वो उससे बहुत कन्वीनियंट हो जाता है. कॉमन एग्जाम्पल आता है यूज ऑफ द बॉल बियरिंग बिटवीन द हब्स एंड द एक्सल ऑफ द सीलिंग फैन. सीलिंग फैन जो आपके रूम्स में या घर में रखा हुआ है, तो
उसके अंदर में भी क्या है, तो ये बॉल बेयरिंग्स है। तो देखते कैसा है, अभी पिक्चर देख लेते। देखिए ये यहाँ पे ये आपके फैन का, सीलिंग फैन के अंदर के ये मोटर है। देखिए ये दिख रहा है आपके, ये दिख रहा है बॉल बेयरिंग्स, ठीक है। उसका अगर हम एक पिक्चर देख लेते हैं तो ये उसका बड़ा पिक्चर है, ये बॉल बेयरिंग्स है। इसके अंदर में देखिए छर्रे जिसे हम कहते हैं, स्मॉल मेटल बॉल्स आर कैन बी फिट एंड दिस आर वेरी स्मूथली कैन बी राउंड। और ये इसके कारण क्या होता है, फैन यू कैन ईजिली मूव वेरी फास्टर एंड वेरी ईजिली ऑल्सो, ठीक है। तो फिगर नंबर 12.16 देख लिया आप लोगों ने, ये यहाँ पे बॉल बेयरिंग लगा हुआ है और ये उसका बड़ा इमेज है। ये बहुत सारे मशीनरीज में लगे रहता है ना, तो ये घूमता है बहुत स्पीड से घूमता है, तो ईजिली दैट इज कॉल्ड रिड्यूसेज द फ्रिक्शन, इट इज रिड्यूसेज द फ्रिक्शन। तो बॉल बेयरिंग्स आर रिड्यूस द फ्रिक्शन, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू करते हैं बच्चे लोग, 12.6 दैट इज द फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्लूइड से क्या समझ में आता है, फ्लूइड मतलब आपको जनरली आपको उन्होंने लिक्विड, लेकिन नॉट ऑलवेज लिक्विड, यस आपको इट इज कनेक्टेड विद द लिक्विड, बट वॉट हैपन, फ्लूइड इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द एयर मीडियम ऑल्सो। जहाँ जहाँ भी एयर का मीडियम आता है हम उसको भी फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम देते हैं, और लिक्विड जहाँ पे आता है या वाटर आता है तो हम उसको फ्लूइड तो बोल सकते हैं, लेकिन एयर भी अगर कहीं माध्यम आता है, मीडियम आता है, तो हम उसको फ्लूइड फ्रिक्शन भी देखते हैं। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या होता है। यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड द थिन, ठीक है, एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। आपने देखा होगा इसका वेट तो बहुत लाइट होता है और ये तो बहुत थिन होती है। येट इज़ एग्जर्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन इसके अंदर में एक बहुत बड़ा एक छुपा हुआ है राज, दैट इज कॉल्ड द एग्जर्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट, अगर कोई ऑब्जेक्ट उसमें मूव कर रहा है तो। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एग्जर्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर आप देखेंगे एक फिश या कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स को पानी के अंदर मूव होने के लिए मोशन फोर्स लगता है, क्योंकि पानी ही क्या करता है, एग्जर्ट करता है फोर्स उनके अगेंस्ट में। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द देम, इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ द गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड, यानी कि हम क्या क्या समझना चाहिए यहाँ पे, गैसेज जितने भी है, गैसेज एंड द लिक्विड्स इज कनेक्टेड विद द फ्लूइड, यानी हम इसको फ्लूइड फ्रिक्शन या फ्लूइड्स के नाम से जानते हैं। मतलब कौन सा, गैसेस यानी ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस एंड द लिक्विड्स इज कॉल्ड द इट्स फ्लूइड्स। सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एग्जर्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो वी कैन से दैट द फ्लूइड्स एग्जर्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम, यानी क्या हो क्या क्या समझ में आया, कि वॉट वी से दैट द फ्लूइड एग्जर्ट द फोर्स, यानी जितने भी फ्लूइड बोल दिया तो क्या आ जाएगा, ये वाटर भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है और भी कोई अदर गैसेज भी हो सकती है, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम, यानी वो भी फ्लूइड क्या करते हैं, एग्जर्ट्स करते हैं फोर्स को। अब यहाँ पे ऑरेंज ब्लॉक में क्या दिया है, द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्रैग, यानी जहाँ जहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड्स, ठीक है, फ्लूइड्स ये ख्याल में रखना, यानी कि गैसेस एंड द वाटर, इनको हम क्या बोलेंगे, इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्रैग। जब जब भी कोई फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है फ्लूइड्स के द्वारा, यानी कि वाटर के द्वारा या तो एयर के द्वारा या कोई और गैसेस के द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रैग, ठीक है। आगे इस बात समझ में, चलो बढ़ते हैं आगे। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब फ्रिक्शनल फोर्स स्पीड पर भी डिपेंड होती है ना। अगर स्पीड कैसी है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा बहुत ही कम है, फ्रिक्शन उसमें है ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी, ये आपको पता है। सो द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन एन फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड्स विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, अब उसका मीडियम कितना घना है या कितना गाढ़ा है जिसको हम कहेंगे, अगर वही चीज़ अगर हम ऑयल में लेते हैं है ना, तो वो तो और ज़्यादा डेंस हो जाएगा, लेकिन हम वाटर में लेते हैं तो उसमें इट इज़ थिन, वाटर इज़ वेरी थिन एज कम्पेयर टू द ऑयल। सो ये ऐसा स्पीड का फ़र्क हो सकता है, तो समझ में आ गया बच्चों, ये मुझे बता रहा हूँ, वाटर में वाटर इज़ वेरी थिन, बट ऑयल में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर हम डालोगे तो वो थोड़ा सा डेंस होता है, उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और पानी की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो डेंसिटी वगैरह जो है घनत्व जिसे हम कहते हैं, यानी कि घनता, बहुत घना है तो डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत घना कम है तो डेंसिटी कम है,
ये आपको ख्याल में रखने का है. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. शेप कैसा है उसका, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप है तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स या बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी मूव होने के लिए, ज़्यादा मोशन की आवश्यकता होगी, है ना. दैट इज एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड, यानी कि कैसा है. हवा देखते हैं, अगर हम कोई एरोप्लेन उड़ता है तो वहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, है ना. इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शनल एक्टिंग ऑन देम. कोई भी बर्ड्स ले लो या एरोप्लेन ले लो या शिप ले लो या कोई एक्वाटिक एनिमल्स ले लो, सब के लिए क्या रखता है, फ्लूइड्स मायने रखता है, लेकिन उसमें फ्रिक्शनल फोर्स. ऑब्वियस दैट ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द फ्लूइड्स, उसके अंदर में वो मूव होते हैं. दे हैव टू ओवरकम द फ्रिक्शन, उनको फ्रिक्शन का सामना करना ही पड़ता है. एनी हाउ इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी. अगर कोई एनिमल है तो एनर्जी लूज करेगा, कोई मशीन है जैसे एरोप्लेन्स है, हेलीकॉप्टर्स है, तो वो लूज एनर्जी करेंगे, ज़्यादा पेट्रोल ज़्यादा, क्योंकि हमको मोशन लग रहा है जाने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो गया है ऊपर में एयर का, है ना. एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन. तो इसी के लिए हमने ये किया है, एफर्ट्स क्या किया, मिनिमाइज करने के लिए मशीनरीज का हमने इन्वेंशन किया, बॉल बियरिंग का हमने इन्वेंशन किया, सो दैट सो द ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स. अब ये जो देखते हैं, आपने देखा होगा बर्ड्स को, बर्ड्स हैव अ सिमिलर शेप ऑफ देयर बॉडी, है ना. वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट द हिंट फॉर दिस स्पेशल शेप. उसी को देखते हुए एरोप्लेन्स का निर्माण हुआ, क्योंकि उनका कैसा रहता था, उनका बॉडी कैसा है, अगर हम यहाँ पे बना के बता देता हूँ आपको, तो ये इस प्रकार की बर्ड्स की बॉडी होती है, ठीक है. तो ये और फिश का भी अगर आपने देखा तो इस प्रकार का फिश है ना, इस प्रकार का फिश होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी जिसे हम कहते हैं, ठीक है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी, इसको बोलते हैं हम स्ट्रीमलाइन बॉडी. तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं रहेगा, अगर हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से अगर मूव कर रहा है, अगर इसके सामने का पोर्शन ब्लंट हो, इतना बड़ा ब्लंट हो, तो वो मूव करने में बहुत ज़्यादा ताकत लेगा, है ना. तो बॉडी का शेप पर भी डिपेंड होता है. तो वो बॉडी तो हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम द नेचर ऑफ द कोर्स बर्ड्स एंड फिशेज हैव द मूव टू अबाउट इज फ्लूइड ऑल द टाइम. तो इसलिए ये बर्ड्स का जो भी हमने यहाँ पे लिया था एग्जांपल, और फिश का एग्जांपल लिया, दे हैव द स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड दे हैव टू मूव इन फ्लूइड्स. तो ये तो एयर में, एयर फ्लूइड में मूव होता है बर्ड्स, और फिश कहाँ होती, वाटर फ्लूइड्स में मूव होता है. सो द बर्ड्स एंड फिशेज हैव द स्मॉल टू मूव अबाउट द फ्लूइड ऑल द टाइम एंड द बॉडी मास बी लाइक दिस. सी दिस इज स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये बर्ड का जो बिल्कुल वैसा है. देखो ये यहाँ पे पंख का है, तो ये भी यहाँ पे विंग्स हो गए यहाँ पे, ठीक है. इसकी बॉडी थोड़ी सी नोकीली है यहाँ पे, तो हम इसको हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी. ओके, डजंट मैटर, हम देख लेते हैं आगे. दिस शेप्स इन वी हैव स्टडीड इन दिस शेप इन द क्लास सिक्स. लुक carefully at the shape of an aeroplane. Aeroplane का देखो कैसा है, मैंने अभी डिस्कस किया था, streamline body के समान है. Figure number 12.17. Do you find any similarities in its shape? Yes, of course. It is this and this shape is almost 100%, 99.9% is same. So, do you find any similarity? Yes, it is the same. Shapes are the shape and the बर्ड्स में. डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन द शेप ऑफ दैट ऑफ द बर्ड? यस, बिल्कुल सेम है. इन फैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन. इसलिए शेप का होना बहुत ही आवश्यक है, और जब तक आपका बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, तब तक वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा फ्रिक्शन, उसको ज़्यादा एनर्जी की लगेगी, उड़ेगा. जैसे अगर आपका एरोप्लेन इसके अंदर ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा तो कैसा होगा, तो उसको ज़्यादा यहाँ पे एयर रुक जाएगी, यहाँ से जब वो एयर के अगेंस्ट में जाएगा तो ये रुकेगा कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी. और स्ट्रीमलाइन बॉडी रहेगी तो कैसा होगा, तो ये एयर यहाँ से निकल जाया करेगी, है ना. तो इस प्रकार से स्ट्रीमलाइन होना बहुत ज़रूरी है, शेप का होना बहुत ज़रूरी है. In fact, all the vehicles are designed to have the shapes which reduce the fluid friction. So, student, यहाँ पे हम ये पूरा chapter ख़त्म हो रहा है हमारा. तो आज हमने rolling friction पढ़ा, sliding friction पढ़ा, और उसके बाद हमने fluid friction भी आज पढ़ लिए, और इसी के साथ now we will conclude our
this chapter now. So, goodbye. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.